सो नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने ये देखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसको बोलते हैं दैट वॉज द कोर ऑफ रनिंग योर बिजनेस नंबर वन नंबर टू अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं तो यू विल गेट टू नो मोर डिटेल्स अब एक चीज होती है सप्लाई साइड मैनेजमेंट बड़े आसान लफ्जों में आप ये समझें कि मैंने कोई चीज प्रिक्योर करनी है ज़रा जल्दी परचेज करनी है लेट सपोज मुझे एक नीड आई है मेरी कंपनी में या मुझे एक पर्सनल नीड है कि आई नीड टू बाय आई फोन फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन चार स्टोर ब्राउज किए ऑनलाइन अब मैंने खरीदने थे दस मोबाइल फोन या दस आई फोन अब मैंने ये देखा कि मेरे पास दो ऑप्शन हैं एक जो ऑप्शन है वो मुझे अभी बता रही है कि जी अगले दो दिन के अंदर दस मोबाइल फोन मिल जाएंगे उसकी अमाउंट ज्यादा है वर्सेस एक मुझे ऑनलाइन स्टोर ये बता रहा है कि दस मोबाइल फोन मिल जाएंगे लेकिन आठ दिन के बाद उसकी अमाउंट कम है अब यहां पे थोड़ा सा कैच है कि जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है इन्वेंटरी में चीजें कहां से आनी है इन्वेंटरी में चीजें आनी है आपकी किसी सप्लायर से यानी जितना अच्छा आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप होगा या गुड और बैड सप्लाई साइड इज उतनी अच्छी आपकी ऑन टाइम डिलीवरी होगी तो ये एक पूरी चेन है एक्चुअली सप्लाई चेन एक पूरी चेन है यानी सप्लायर आपको टाइम पे सप्लाई करेगा तो ही आप क्लाइंट को टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं और उस टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं जो आपने कमिट किया है इसकी इंपॉर्टेंस फिजिकल स्टोर में चाहे इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन ऑनलाइन स्टोर में इसलिए ज्यादा है कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है यानी मेरे पास अगर किसी चीज की एजेंसी ज्यादा है मुझे जल्दी चीज चाहिए तो मैं यानी आप एज अ ऑनलाइन स्टोर अगर एक लॉन्ग डिलीवरी टाइम देंगे हफ्ते दस दिन का तो और मुझे एक चीज जल्दी चाहिए तो ऑब्वियसली आप अपना क्लाइंट लूज कर देंगे क्योंकि ये डायरेक्टली क्योंकि आपने आपने जो क्लाइंट को टाइम दिया हफ्ते या दस दिन का वो आपने अपनी सप्लाई की बेसिस के ऊपर दिया है कि मुझे जब मेरा सप्लायर चीज सप्लाई करेगा उसके बाद आपने कोई टाइमलाइन कमिट की है इससे मुराद ये है कि आपको अपनी सप्लाई साइड जो है यानी वो वो कंपनी या वो बंदा या बंदी या वो सप्लायर जिससे आप चीजें प्रिक्योर कर रहे हो दिस हैज बी वेरी एफिशिएंटली मैनेज ताकि जो कंपटीशन आपका ऑनलाइन है जो कि बहुत टफ है आजकल बिटवीन द जाइंट्स वो आप उस कंपटीशन को सस्टेन कर सकें यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ड्यूरेशन तो बहुत लंबी दे दें आप टाइम बहुत ज्यादा दे दें लेकिन जो क्लाइंट है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है तो वो कम टाइम में जो डिलीवर कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दे के चीज परचेज कर ले सो so, ये चीज़ आपकी डायरेक्टली लिंक है कि हाउ गुड एंड बैड योर सप्लायर इज तो सप्लायर आपको चीज सप्लाई करता है जो आपकी इन्वेंट्री में आती है इन्वेंट्री से आप वो टाइमलाइन अपने कस्टमर को बताते हैं जो जिस टाइम में आप कस्टमर को चीज डिलीवर करेंगे इस पूरी चीज को सप्लाई चेन बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं आसान लफ्जों में सो so,

सिटी है उनके अंदर जल्दी डिलीवरी रिसीव करने की सो so, अगर आप, आप ये स्टैट्स देखें सबसे ऊपर वाला जो थ्री फोर्थ यानी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑनलाइन शॉपर हैं यानी अराउंड सेवनटी फाइव परसेंट पचहत्तर परसेंट लोग ये कहते हैं कि अगर उन्होंने आज चीज़ खरीदी है तो उन्हें आज ही के दिन में डिलीवर हो जाए यानी अगर सौ लोगों ने कोई चीज़ ऑर्डर की है तो सौ में से सेवनटी लोग ये कहते हैं कि उनको वो प्रोडक्ट उसी दिन मिल जाए वेरी ह्यूज नंबर उसके बाद टू थर्ड ऑफ द पीपल यानी अराउंड सिक्सटी सिक्स परसेंट लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जब ऑर्डर किया है तो उन्हें घंटों में मिल जाए यानी विद इन कपल ऑफ आवर्स उन्हें चीज मिल जाए और वन थर्ड लोग यानी अराउंड थर्टी थ्री परसेंट लोग ये कहते हैं कि दे आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा यानी सौ में से अराउंड तैंतीस परसेंट लोग ये कहते हैं कि वो ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं अगर उन्हें जो शिपिंग है वो जल्दी हो जाए तो ये स्टैट्स या ये बिहेवियर बिल्कुल सही डिपेक्ट है जब आप ऑनलाइन परचेस करते हैं रीजन बीइंग जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो ऑनलाइन परचेस करने का दूसरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना वो ये है कि आपको घर बैठे बैठे चीज़ मिल गई आपने जाके फिजिकल स्टोर्स में नहीं करना जब मैं ये कह रहा हूं कि घर बैठे बैठे चीज़ मिल गई तो एक तो जो टाइम कमिट किया है ऑनलाइन शॉपिंग यानी ऑनलाइन स्टोर ने उस टाइम पे मिल जाए नंबर वन नंबर टू उस टाइम की ड्यूरेशन जितनी कम होगी उतने यूजर्स एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार है ये हमें ये बेसिकली ये ये पिक्चर हमें शो कर रहा है